गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्क इन पास्ट, इसमें कार्य भूतकाल में जारी रहता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ताथा, तीथी, तेथे, वह, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस ऑर्डर का यूज़ करते हैं देखेंगे, वो किस प्रकार है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका ऑर्डर क्या रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नीचे स्पेशली लिखा भी है प्रत्येक कर्ता के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं कल विद्यालय गया था। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था। दे रोट मी ए लेटर। अगला एग्जांपल है, राम ने एक सेब खाया। राम एट एन एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल हैं वो हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम जिस ऑर्डर का यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, और नेगेशन के लिए या नेगेटिव के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, मैं अलीगढ़ नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू अलीगढ़। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह कल नहीं नहाया था। ही डिड नॉट बाथ यस्टरडे। अगला एग्जांपल है, गीता ने कपड़े नहीं धोए थे। गीता डिड नॉट वॉश दी क्लोथ्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैंने आपको हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का ऑर्डर देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट टाइप का जो ऑर्डर होता है वो होता है, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड टाइप का ऑर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड। उसी तरह से देखेंगे अब हमारा जो इसका एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले क्या तुम वहाँ गए थे। डिड यू गो देयर। क्या हरी ने मुझे बुलाया था। डिड हरी कॉल मी। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह किसान कहाँ सोया था। वेयर डिड दिस फार्मर स्लीप। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम आपको, मैं आपको जो वो है एक्सरसाइज, उसके रिगार्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे और ये वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से आपको बनाने हैं। मोहन ने कल मुझे हिंदी पढ़ाई। मोहन टॉट मी हिंदी यस्टरडे। ओके, माताजी कल मंदिर गई थी। माताजी यानी कि माताजी को क्या बोलेंगे, मदर वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे। हमने बाजार से फल खरीदे थे। वी बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। राधा ने गीत गाया था। राधा सैंग ए सॉन्ग। पिताजी कल दफ्तर गए थे। फादर वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे। वे यहाँ कल आए थे। दे केम हियर यस्टरडे। रमेश ने एक पत्र लिखा। रमेश रोट ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, मेरे पिताजी मंदिर नहीं जाते थे। माई फादर डिड नॉट गो टू द टेम्पल। नेक्स्ट, उसने खाना नहीं खाया था। ही डिड नॉट टेक फूड। तुमने मेरी सहायता नहीं की थी। यू डिड नॉट हेल्प मी। हमने एक शेर नहीं देखा था। वी डिड नॉट सी ए लायन।
मैंने चाय नहीं पी थी, आई डिड नॉट टेक टी। उन्होंने मुझे पत्र नहीं लिखा, दे डिड नॉट राइट ए लेटर टू मी। आज वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन टुडे। नेगेटिव सेंटेंसेस आपके यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब आए एक्सरसाइज हमारी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वह जंगल में रहता था? डिड ही लिव इन दी फॉरेस्ट? क्या पाकिस्तान मैच हार गया? डिड पाकिस्तान लॉस दी मैच? क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला? डिड यू नॉट गेट माई लेटर? डिड यू, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला? डिड यू नॉट गेट माई लेटर? वह रोज कहाँ जाता था? वेयर डिड ही गो डेली? उसने यह कार कब खरीदी थी? वैन डिड ही बाय दिस कार? जयपुर कौन गया था? हु वेंट टू जयपुर? हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाई? हु टॉट अस इंग्लिश? ओके स्टूडेंट्स, आप ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। गुड बाय।